नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार। आज हमारे साथ अमित कटारिया जी हैं, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया विश्व चैंपियनशिप में। आप बताएं अमित जी, कैसा रहा आपका ये सफ़र? मेरे सफ़र में मेरा पूरा साथ मेरे सर ने दिया है, मेरे पापा और मेरे भैया ने दिया है। आप इनके कोच रहे हैं, कैसे ट्रेनिंग रही, क्या क्या सीखने को मिला इनको? इसने सर अभी कुछ ही सालों पहले वुशु स्टार्ट किया है, और इसकी जो हाइट और वेट देख के मैंने इसके फादर साहब को कहा था कि इस लड़के में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। मैंने इसके एक ओलिडेस्ट चैंपियनशिप खेली थी, उसमें इसकी फ़ाइट की स्किल्स को मैंने देखा, तो मैंने राजन जी से रिक्वेस्ट किया कि इस बच्चे को वुशु में डालो। और कुछ ही सालों में इसने इसे इंटरनेशनल लेवल पर जो भूटान में जॉर्जिया में चैंपियनशिप आयोजित की, उसने अच्छा प्रदर्शन किया। ईरान के साथ इसने खेला, ईरान जो कि वर्ल्ड चैम्पियन में चाइना और ईरान के बहुत टॉप टॉप कंट्री हैं, उसका बहुत अच्छा इसने गेम खेलते हुए और आर्मेनिया के साथ खेलते हुए इसने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्योंकि जैसे हमें पता चला आपके घर में इतने सारे प्लेयर्स हैं, तो क्या मतलब फादर से आपको क्या सीखने को मिला कि क्या आगे इस चीज़ को बढ़ाना है? जैसे मैंने सुना कि मतलब आपके नेता ने भी कहा कि जो लकीर खींच दी, मतलब जो फैमिली में है उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे बच्चे कर रहे हैं, तो आप क्या लगता है कि जो कांस्य पदक आपने जीता, तो आगे का क्या सपना है कि गोल्ड तक और आगे क्या कैसे बढ़ेंगे? नहीं, आगे एशियन चैम्पियनशिप आ रही है, तो एशियन गेम्स आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए तैयारी करूँगा और कोशिश करूँगा कि गोल्ड जीतूँ। मेरे सर मेरे साथ हैं हमेशा, मेरे पापा मेरे भैया हैं मेरे साथ हमेशा। क्योंकि जो हमने एक चीज़ और भी बहुत अच्छी, मतलब यहाँ एक नेता ने बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग स्पोर्ट्स के पर्सनस हैं वो गोल्ड मेडल जीत लेते हैं, फिर बाद में जैसे बताते हैं कि उनको एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने गेम से पीछे हट जाते हैं, देखने को मिलता है कि। लेकिन उस चीज़ को आप कैसे बरकरार रखेंगे जो आप कांस्य जीता है, फिर गोल्ड का सपना है और लगातार भारत के लिए गोल्ड जीतना, उस कैसे उस चीज़ को मेंटेन करेंगे आप? उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात, मेरे साथ मेरे कोच रहेंगे हमेशा, मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करेंगे, मैं अच्छी मेहनत करूँगा आगे जाके कि मैं अच्छे से अच्छे आगे से आगे परफॉर्मेंस दे पाऊँ, अच्छा खेल पाऊँ, अपने देश का नाम रोशन कर पाऊँ। आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मतलब हमारे चैनल्स के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे, कहेंगे बच्चों? मैं हमेशा खिलाड़ी को यही कहता हूँ कि एक चैंपियनशिप खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे से अगली चैंपियनशिप के बारे में फोकस करना स्टार्ट करें, और अपने जितना उनका फिटनेस पे ध्यान देंगे, जितने अपने टेक्निक्स पे ध्यान देंगे, उतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। तो अपने गेम पे फोकस करें, शॉर्टकट का ध्यान नहीं दें, खूब मेहनत करें, अच्छी डाइट रखें, प्रॉपर रेस्ट करें, इन तीनों चारों चीज़ों का अगर ध्यान रखता तो खिलाड़ी आगे बढ़ता है। फिटनेस के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है? फिटनेस के लिए एक पूरा शेड्यूल होता है खिलाड़ी का, उसके हाइट वेट के हिसाब से, उसकी एज ग्रुप के हिसाब से कि उसको वेट गेन करना है वेट डाउन करना है, तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया जाता है, जिसके अंदर ग्राउंड एक्सरसाइज भी होती है, जिम भी होता है, एक पूरा पूरे 4 साल का प्लान होता है, 1 ईयर का होता है। काफ़ी लंबा चीज़ है कि खिलाड़ी को देखते हुए, टूर्नामेंट को देखते हुए ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया जाता है, उसी हिसाब से उसका ट्रेनिंग का प्लान बनाया जाता है और उसे शेड्यूल में डाला जाता है। अब घर वालों की उम्मीदें, समाज की उम्मीदें, जनता की उम्मीदें आपसे बढ़ चुकी हैं, तो उसको कैसे आप साकार करने के लिए क्या क्या करेंगे जो आपके कोच ने बताया उस हिसाब से? नहीं, मैं आगे कड़ी से कड़ी मेहनत करूँगा, आगे तैयारी करूँगा अच्छे कि मैं आगे गोल्ड जीत पाऊँ, अपने देश का नाम रोशन करूँगा। और कुछ अपने परिवार के बारे में क्या बताना चाहेंगे, परिवार का सपोर्ट कैसे मिला आपको, क्या क्या किया परिवार? नहीं, मेरे पापा खुद इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर हैं, खुद गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो उनने मेरे भैया को सपोर्ट किया, भैया और पापा ने मिलकर मुझे सपोर्ट किया, मुझे सर ने सपोर्ट किया बहुत, तो मैं आज आगे आया हूँ। तो मैं चाहूँगा जनता दरबार की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ये थे हमारे साथ अमित कटारिया जी, बहुत बहुत बधाइयाँ।